हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंजलि। वेलकम टू एवीआर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन यूग्लिना। ऑस्मोरेगुलेशन यूग्लिना में कैसे होता है? तो यूग्लिना में ऑस्मोरेगुलेशन एंडोमोसिस के थ्रू लगातार वाटर एंटर करता है उसकी बॉडी में, और एंडोमोसिस के थ्रू उसकी बॉडी में लगातार वाटर एंटर करता है, और एक्स्ट्रा वाटर वो कैसे निकालता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकालता है। तो उसकी बॉडी में साइटोप्लाज्म जो होते हैं, उससे वाटर खींच कर बाहर निकालने एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल में डालता है। फिर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में डालता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से ये रिजर्वॉयल में डालता है। रिजर्वॉयल से ये साइटोस्टोम से पानी बाहर निकाल देता है। पहले हम क्या डिस्कस किया, पहले एंडोमोसिस के थ्रू पानी यूग्लिना में अंदर डालता है उसकी बॉडी में। फिर उसकी बॉडी से साइटोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा वाटर जो उसके अंदर चला जाता है उसको बाहर कैसे निकालता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। तो कॉन्ट्रेक्टाइल एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोस्टोम को बाहर पानी खींच लेता है। साइटोप्लाज्म होता है उसकी बॉडी में, उसमें अगर एक्स्ट्रा पानी अगर ज़्यादा हो जाता है उसमें पानी, तो एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल क्या करता है, उससे पानी खींच लेता है। खींच कर वह सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करके वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में डाल देता है। लार्जर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से वह फिर रिजर्वायर में डालता है। रिजर्वायर में डालने के बाद वह साइटोस्टोम के थ्रू पानी बाहर निकाल देता है। ये देखिए, इसका फिगर है ये। आइए, मैंने ऑस्मोरेगुलेशन एंड यूग्लिना डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करूँगी रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। यूग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखते हैं कैसे होता है यूग्लिना में रिप्रोडक्शन। यूग्लिना डज नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। द यूजली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। समटाइम्स इंसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इज द यूग्लिना व्हेन एनवायरमेंट कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन, मतलब ये कॉमन होता है बाइनरी फ्यूजन इन द यूग्लिना। यूग्लिना में जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो वेरी कॉमन होता है। बाइनरी फ्यूजन किसी चीज़ को दो भागों में टूटना। इसमें क्या चीज़, एक इसमें न्यूक्लियस और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का ही टूटना होता है, और क्या होता है इसमें देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन, इसमें वेरी कॉमन रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में। वैन एनवायरमेंट कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ, एनवायरमेंट कंडीशन पर ये फेवरेबल ग्रोथ करते हैं, मतलब कि इसमें जो फूड होता है, फूड टेम्परेचर वाटर जो होता है वो फेवरेबल इसमें पाया जाता है। फूड अगर इस अनुकूल वातावरण में ये ग्रोथ अपना करते हैं। एनिमल्स केसेस इट एक्टिविटीज आर सीक्रेट ए म्यूसिलाइजिनस एवलप अराउंड द इट सेल्फ म्यूसिलाइजिनस एक्टिविटीज। एक सेकेंड, the animals case it activity for secrete a mucilaginous evil around the nucleus divided by the simple mitosis other nuclear and extra cellular inclusion and duplicate, मतलब कि इसमें जो mitosis division होता है वो, मतलब कि आपने पढ़ा होगा
कि सेल डिवीज़न तो पढ़ा ही होगा, सेल डिवीज़न में देखा होगा कि जो सेल्स होती हैं वो माइटोटिस डिवीज़न जो होता है उसमें टू टाइप्स को होता है, एक इंटरफेज होता है एक एम फेज होता है। तो इंटरफेज में, इंटरफेज और एम फेज, अभी जब इसकी डायग्राम को देखेंगे तब इसमें मैं बता दूंगी कि जो इसमें डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ए लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न टेकन प्लेस विद द डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब कि ये दोनों जो एनिमल्स होते हैं वो सिमिलर दो भागों में डिवाइड होता है। ये देखिए, देखिए ये जो एनिमल्स हैं ये डिवाइड जब करेंगे तो ये दो भागों में ऐसे ही से एकदम सेम डिवाइड करेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन स्टार्टेड फॉर द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी, देखिए एंटेरियर एंड में ये कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, देखिए कंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से एंटेरियर एंड में ये निकलना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से एंटेरियर एंड, एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी। हाउ एवर द फ्लैजल डज नॉट डिवाइड, मतलब इसमें जो डिवीज़न होता है तब इसमें फ्लैजला डिवाइड नहीं करता एंड गोज फॉर वन इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल विल द अदर डिवाइडेड द ओवन इट ओवन द टू डॉटर युगलिना डज द फॉर्म फॉर्मर लीड ए न्यू लाइफ, मतलब कि इसमें फ्लैजला डिवाइड नहीं होते हैं और ये दो अलग 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 एनिमल्स डिवाइड कर जाते हैं। देखिए जो इसका इंटरफेज होता है, जिसके इंटरफेज में क्या होता है, जितने भी ऑर्गन डुप्लीकेट हो जाएं क्योंकि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इसमें जो इतने भी ऑर्गन्स वो डुप्लीकेट हो जाते हैं कि जैसे इसमें जो इसमें साइटो प्लाज्म है जो भी, मतलब इसमें डुप्लीकेट सब कुछ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, न्यू ब्रेफेलोब्लास्ट है, न्यू फ्लैजला है, इसमें सब कुछ डुप्लीकेट हो जाते हैं, इस यहाँ तक का डीएनए रिप्लीकेट भी हो जाते हैं, इसमें सब कुछ हो जाता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल डबल, मतलब सब कुछ इसमें डुप्लीकेट हो जाते हैं। और जो इसका जो प्रोफेज है, प्रोफेज देखिए, प्रोफेज ये रहा, प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो इसकी प्रोफेज में, जो प्रोफेज में इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, डिसइंटीग्रेट जिसकी मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट नहीं होती है। और जो भी इसमें न्यूक्लियस या एंडोसोम है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सारे फ्यूज कर जाते हैं, सिंगल बॉडी बनाते हैं, सारे फ्यूज करके सिंगल बॉडी बनाते हैं, जो भी इसमें न्यूक्लियस या एंडोसोम है वो सारे फ्यूज करके सिंगल बॉडी बनाते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो भी इसकी जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, लेकिन इसमें की जितनी भी एंडोसोम है न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट करके, वो फ्यूज करके अपना सिंगल बॉडी बना लेते हैं, सॉरी। और जो मेटाफेज जो होता है उसकी, मेटाफेज में क्या होता है, ये अलाइन हो जाते हैं, देखिए अलाइन हो गए ना, ये अलाइन हो जाते हैं। और जो इसमें एनाफेज में, एनाफेज में ये एक दूसरे का अपोजिट पोल में हो जाते हैं, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं एक दूसरे के सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल में रिवर मूव करना शुरू कर देते हैं, रिवर मूव करना शुरू कर देते हैं। और टेलोफेज में ये टू डॉटर न्यूक्लियस में हो जाते हैं। अब देखिए इसमें रिवर मूव करना जब शुरू करते हैं तो इसमें म्यूचुअल रिपल्सन होता है, इसमें म्यूचुअल रिपल्सन होता है, और इसमें टेलोफेज में ये अपना टू डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल देखिए एंटेरियर एंड में ये ऐसा होता है, और देखिए फ्लैजला टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टिग्मा सब कुछ अलग अलग हो जाते हैं, बैंडिफिजन
ये स्टेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनिफिजन था, इसको डिस्कस कर लिया। अब इंसिस्टमेंट देख लेते हैं, इंसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फ्यूजन देख लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कब आती है इसमें, जब इसमें फूड टेम्परेचर या चाहे सूखा या चाहे कुछ भी, मतलब ऐसा कंडीशन होता है कि जहाँ पर इसकी इनको प्रॉब्लम हो वहाँ पर, इसी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में, इसको अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। यूग्रीना रिप्रोड्यूस द आइदर ऑफ इंसिस्टमेंट बाय द मल्टीपल फीजन, मल्टीपल फीजन ड्यूरिंग इंसिस्टमेंट इज सिक्रेट थिक सिस्ट एंड जिलेटिनस मास ऑफ येलोइस ब्राउन कलर्स होता है। द सिक्रेट थिक सिस्ट जिलेटिनस मास, इसमें जिलेटिनस थिक होता है इसके जो, ये देखिए ये थिक होती है और जिलेटिनस मास ये ब्राउनिश कलर्स येलोइश कलर्स की होती है। इट कैन द स्टैंडर्ड ऑफ एडवेंचर कंडीशन ऑफ लाइफ, एडवेंचर कंडीशन ऑफ लाइफ ऑनेस्ट और फेवरेबल कंडीशन रिजल्ट इन द रैप्चर ऑफ सिस्ट एंड द एनिमल स्टार्टेड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। मतलब कि जब इसमें जो भी मतलब युगलीना जो होती है, मैं कॉमन में ऐसे समझा दे रही हूँ, जब इस युगलीना जो होती है जब इंसिस्टमेंट कंडीशन में आती है, तो जैसे कि इसके जो फ्लैजला होते हैं वो फ्लैजला इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो इसलिए फ्लैजला इसमें ये फ्लैजला को हटा देता है। इस वजह से हटा देता है क्योंकि फ्लैजला को एनर्जी चाहिए, उसमें ATP की इम्पोर्टेंट होती है, इस वजह से वो फ्लैजला को हटा देता है क्योंकि वो उसमें तैरने के लिए उसको चाहिए, इस वजह से वो फ्लैजला को तो हटा देता है। और फ्लैजला को हटाने के बाद वो एक सिस्ट का प्रयोग कर लेता है, उस सिस्ट का प्रयोग कर लेता है, उस सिस्ट को एक ऐसी 2-3 layer मतलब बहुत हार्ड कवरिंग से वो अपने आप को ढक लेता है कि मुझे अनफेवरेबल कंडीशन में मुझे बचाया, मैं बच सकूँ इस कारण से, इस वजह से। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही बारिश का मौसम या चाहे किसी बारिश क्या चाहे अगर तालाब या नदी में कहीं मतलब किसी वैसे पानी में अगर तैर रहा हो तो अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर फेवरेबल कंडीशन में अगर वो चला जाए तो वहाँ पर अपनी सिस्ट को तोड़कर, सिस्ट को से को रैप्चर करके वो बाहर निकल कर अपना फिर से बैंड डिफ्यूजन, फिर से वो अपनी जो न्यू लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती है वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देता है। ये इसकी इंसिस्टमेंट एंड इंसिस्टमेंट एंड मल्टीपल फीजन हुआ, इसको मैंने कॉमन लैंग्वेज में आप नॉर्मली समझा दिया। पमेला स्टेज किसे कहते हैं, पमेला स्टेज देखिए, पमेला स्टेज किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पमेला स्टेज जब ये सिस्ट देखिए आउटर कवरिंग जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन जो सिस्ट को कवरिंग कर लेता है, इसी को ही पमेला स्टेज कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इन युगलीना सेपरेट युगलीना फ्लैजला आर स्टार्टेड लिविंग नॉर्मल एंड एक्टिविटी, फिर उसमें फ्लैजला आ जाते हैं और फिर ये अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने चले जाते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्मल लाइफ में अपने लाइफ स्टार्ट कर देते हैं जैसा उनकी लाइफ रहती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।